नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्सलेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिंगरप्रिंट कौन सा है DMIT के अंदर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिंगरप्रिंट कौन सा है। देखिए 21 तरह के फिंगर पैटर्न हैं हमारे पास, उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं और वो कहाँ पाया जाता है, आपके हाथ में किस उंगली में सबसे ज़्यादा वो मिलता है, एवरेज जो निकाली जाती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं तो वो क्या क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिंगरप्रिंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं, चार तरह के होते हैं लेकिन उनमें से हम सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं वो अल्नार टारगेट सेंट्रिक पिकोकाई है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं अल्नार टारगेट सेंट्रिक पिकोकाई। अब इस अल्नार टारगेट सेंट्रिक पिकोकाई के अंदर इस इतना बड़ा नाम क्यों है, इसका इतने बड़े नाम के पीछे इसका क्या कारण है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम देखते हैं कि इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं। अल्नार मीन्स अल्नार की क्वालिटीज़ मिलेंगी इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, उस तरह के सिम्टम्स मिलेंगे। टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड मतलब टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, पिकोकाई मतलब आर्क से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर मिलने हैं। अब ये तीन तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स इस एक फिंगरप्रिंट के अंदर मिलेगी तो ये तीन का दम रखती है। ये एक पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट तीन तरह की क्वालिटीज़ को अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखे तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले आ जाता है टारगेट सेंट्रिक को देख लेते हैं। टारगेट सेंट्रिक के अंदर क्या होता है, दो डेल्टा होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो डेल्टा है जी बिल्कुल, एक डेल्टा सेंटर के नज़दीक, एक सेंटर से थोड़ा सा दूर। और जो सेंटर है उसे आप थोड़ा सा गौर कर देखेंगे तो यहाँ पर रिंग्स बनी हुई हैं। इस सेंटर के अंदर जो रिंग्स बनी हुई हैं ये रिंग्स जो हैं ये प्रॉपर टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड की तरह ही दिखाई देती हैं। तो टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें अंदर हैं क्योंकि दो डेल्टा हैं एक सेंटर है। लेकिन इसे हम अल्नार भी कहते हैं। अल्नार में क्या होता है, एक सेंटर एक डेल्टा और एक तरफ होता है फ्लो। तो इसमें देखिए आप एक सेंटर जो है एज इट इज सेंटर तो एक ही है, दूसरा आता है डेल्टा, दूर वाला जो डेल्टा है जो इससे थोड़ा डिस्टेंस पे है डेल्टा, उस डेल्टा को और इस सेंटर को अगर आप आधी इमेज करके देखेंगे तो दूसरी तरफ आपको सिर्फ फ्लो दिखाई देगा। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस डेल्टा को भूल जाएं जो सेंटर के नज़दीक है तो आप फिंगरप्रिंट्स को देखिए, जो फ्लो है रिजिस का वो देखिए, वो प्रॉपर एक फ्लो की तरह ही दिखाई दे रहा है। ये जो सेंटर डेल्टा सेंटर के नज़दीक जो डेल्टा है ये प्रॉपर एक फ्लो का ही हिस्सा है, ध्यान से देखिए। इस वजह से इसके अंदर अल्नार की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती हैं। थर्ड इसके अंदर हमने बोला पिकोकाई। अब पिकोकाई क्यों बोला जाता है, अब इसमें ध्यान से देखिए, पिकोकाई में क्या होता है, सेंटर होता है और डेल्टा होता है और दोनों के बीच में जो रिजेस हैं वो कम होती हैं और एक तरफ फ्लो होता है, इस वजह से इसको पिकोकाई भी बोला जाता है। सेकंड इसके अंदर है इसकी जो आई की जो शेप है, आप इस दूर वाले डेल्टा को एक सेकेंड के लिए भूल जाए, अब इसको देखिए सेंटर और डेल्टा के बाद अगर हम दोनों को एक साथ देखते हैं तो ये एक मोर की आँख जैसा दिखाई देता है। सेंटर और डेल्टा जब नज़दीक होते हैं तो वो आर्क कैटेगरीज में आता है, आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आती है। इसको पिको का इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये आई की शेप में है, एक आँख की तरह दिखाई दे रहा है आपको सेंटर और डेल्टा। और दूसरा इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती हैं कि डेल्टा और सेंटर नज़दीक नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो वो आर्क कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा अल्नार भी बन गया, टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड भी बन गया, पिकोकाई भी बन गया, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल हैं इस एक फिंगर में और ये DMIT की सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्गेस्ट फिंगर है। इसके अंदर तीन तरह की क्वालिटीज़ हैं, अल्नार की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आएंगी, टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, आर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, आर्क विद अल्नार लूप की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। तो इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जब इसके अंदर आती हैं, एक तो ये एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है, इसको एक्सप्लेन करने में बड़ा ट्रिकी होता है। ये लोग बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, डेफिनेटली बहुत क्रिएटिव है, पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होता है, टैलेंट भी अनलिमिटेड है, इसको एक्सप्लोर भी बहुत लेवल तक जा सकते हैं। साथ साथ ये इंडिपेंडेंट भी होते हैं, मूडी भी होते हैं, अपनी मर्जी से भी चलते हैं और साथ साथ ये किसी भी काम को ग्रुप में करना ही पसंद करते हैं। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें, काम को ग्रुप करना पसंद करेंगे लेकिन अपने जब जो काम खुद कर रहे हैं जिस टास्क के अंदर ये खुद इन्वॉल्व हैं तो उसमें इंटरप्शन भी पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा मिक्स फिंगरप्रिंट हो जाता है ये। इसके अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फिंगर्स ज़्यादातर किस फिंगर में पाई जाती है, ये पैटर्न किस फिंगर में पाया जाता है, तो दोस्तों जहाँ तक कि हमारी अभी तक की रिसर्च हुई है 80% से ज़्यादा, और शायद हो सकता है 90% तक भी, बट 80% से ज़्यादा हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि ये रिंग फिंगर या मिडल फिंगर के अंदर पाए जाते हैं। रिंग फिंगर या मिडल फिंगर, इन फिंगर्स के अंदर आपको DMIT का ये पैटर्न मिलता है ज़्यादातर। तो इसको क्योंकि ये मिक्स है लेकिन ये ज़्यादातर मिलती भी दो ही जगह पे है, या रिंग में मिलेगी या मिडिल फिंगर में मिलेगी, तो इसको समझाना भी आसान हो जाता है। लिमिटेड चीज़ें हैं, वही याद रखनी होती है, वही समझानी होती है। अब रिंग फिंगर में अगर ये आता है तो रिंग फिंगर के अंदर हमारी लैंग्वेज, ऑडियो, म्यूज़िक, साउंड,
आपका प्रेजेंटेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी वॉइस प्रोसेसिंग, आप किस तरह से पेश करोगे, बात करोगे, वो सारी इसके अंदर आती है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बोल पा रहे हैं, आज बोलने की कला सबके पास है, सिंगर्स हैं, बोलने की कला सबके पास है, हर इंडस्ट्री के अंदर स्पीकर्स चाहिए जो अच्छे से अच्छा बात कर सकता हो। ये जितनी जिसकी स्ट्रॉन्ग होगी वो उतना अच्छा ऑडिटरी स्ट्रॉन्ग होगा, उसको ऑडियो मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग होगी, उसके ऑडियो प्रेजेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी, उसका ऑडियो क्या कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेजेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक साउंड वो भी अच्छा होगा। और ज़रूरी भी ये भी है कि नॉन वर्बल स्किल्स भी उसकी अच्छी ही होती है ज़्यादातर, लेकिन उस पर काम किया जा सकता है, मतलब उसको बढ़ाया जा सकता है। वर्बल अच्छी मिलेगी तो नॉन वर्बल को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, वो लर्नेबल स्किल है, वो सीखी जा सकती है। अगर यहाँ मिल जाती है, मिडिल फिंगर में मिल जाती है, तो यहाँ पे आप उसको देखिए फाइन मोटर्स या ग्रोस मोटर्स में से कोई एक स्किल उसकी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होगी, वो बहुत टैलेंटेड होगा इस पर्टिकुलर टास्क के अंदर, वो मतलब ये उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आप ध्यान से देखिए कि ये वाला जो फिंगरप्रिंट है क्या आपके रिंग फिंगर में, अगर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, और बताइए कि जो मैंने बातें अभी वो बताई हैं वो कितनी रेलेवेंट लगती हैं, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वारी है, क्वेश्चन है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। आजकल कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पूरी फिर भी कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट के ऊपर मैं ध्यान दूँ, सबको पढ़ूँ और उनको रिप्लाई भी दूँ, होप आपको रिप्लाई मिलता भी होगा। इसके साथ आप DMIT को और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, देखिए इसके अंदर अभी हमने पढ़ा है अल्ना टारगेट सेंट्रिक पीकोकाई, इसके बाद रेडियल टारगेट सेंट्रिक पीकोकाई, फिर स्पायरल वल पीकोकाई, एंड फिर रेडियल स्पायरल वल पीकोकाई, अल्नार रेडियल स्पायरल वल पीकोकाई। तो ये अल्नार और रेडियल की जो इतने भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आएंगी, तो ये चार तरह के पेंट हैं, इनको समझने में समय हमें थोड़ा सा और ज़्यादा लगेगा, हर एक चीज़ को बड़ी डीप डाउन समझना पड़ेगा, एक्सप्लेन कहाँ करना है, किस फिंगर में कौन सा पैटर्न है, उसके हिसाब से उसको प्लेसमेंट क्या रहेगी, पर्सनैलिटी क्या है, कैसे वर्ड्स को यूज़ करना है, कहाँ पर क्या बोलना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 2 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की वीडियोज़ में नहीं समझाया जाता, उसके लिए तो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ इन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपके कोई क्वारी है, सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे सीखना चाहें सीख सकते हैं, और अगर सीख के कमाना चाहें तो भैया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के पास कि आप प्रोजेक्ट BAT का हिस्सा बने, ब्रेन एनालिसिस टेस्ट का, जिसके अंदर DMIT और साइकोमेट्रिक के डिफरेंट टेस्ट के माध्यम से हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। पैन इंडिया लेवल पे हम हर शहर के अंदर अपने पिकअप सेंटर ओपन कर रहे हैं, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन लॉकडाउन में घर बैठे कमाना चाहते हैं, वो एज अ पिकअप सेंटर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो प्लीज़ जुड़िए। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप ऑलरेडी DMIT कर रहे हैं लेकिन इतना अच्छा बिजनेस आपके पास नहीं आ रहा, तो हमारे साथ जुड़िए एज ए काउंसलर, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे लोगों को काउंसलिंग करने की, और वहाँ पर भी आप अर्निंग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरा इसमें आता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एज अ फ्रेंचाइज हमारे साथ जुड़ें, या इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, भाई ठीक है हमसे सीख के आप अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें भी हमारी गाइडेंस और सपोर्ट पूरा रहता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने ब्रांड से स्टार्ट करें तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तब भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है लोगों तक सही जानकारी पहुँचाना, ना कि अर्निंग। लोगों तक पहुंचना चाहिए कि काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है बच्चों की, आप अपने बच्चों की सही टाइम पे इस काउंसलिंग कराएं, अपनी शादी से पहले आप अपने पार्टनर के साथ अपनी काउंसलिंग कराएं, बच्चे हो जाते हैं तो पेरेंट्स बच्चों के साथ अपनी खुद की काउंसलिंग कराएं, बच्चे करियर सेलेक्ट करने से पहले, स्ट्रीम सेलेक्ट करने से पहले अपनी काउंसलिंग कराएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम, एनर्जी और मनी, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसमें टाइम और एनर्जी वापस नहीं आता है। पैसा एक सेकेंडरी चीज़ हो गई, लेकिन टाइम और एनर्जी एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। और वही है ना, ज़िंदगी भर हम सोचते कुछ थे, बनते कुछ थे, करते कुछ थे, और लास्ट में सोचते थे ये सब हमारा वेस्ट गया, क्योंकि कोई भी हमारे लिए इनपुट नहीं है, हमारी पॉजिटिव लाइफ में उसकी मॉनेटरी बेनिफिट के अलावा कोई और इनपुट रहता नहीं है। तो दोस्तों, जितने भी लोग आप प्रोजेक्ट BAT का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के अपने आप को भी ग्रो करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर हमसे बात करें। हमारी टीम आप पूरी कोशिश करेगी कि जो बेस्ट पॉसिबल होगा, जो आपके फाइनेंशियल पॉकेट को भी अलाउ करेगा, जो आपके टाइमिंग को भी अलाउ करेगा, और आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को सही जगह पे यूटिलाइज हम कर पाएंगे, और डेफिनेटली आप एक ग्रो करेंगे उसमें, लर्न अर्न एंड ग्रो, यही हमारा है कि आप लर्न भी करें, अर्न भी करें और ग्रो भी करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो जितने भी लोग DMIT कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, उनको बताइए कि भैया इस फिंगरप्रिंट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये फ़ायदे हैं, और ये कहाँ कहाँ मिलती है, और उसको समझाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आगे भी हम बात करेंगे, अगली वीडियो हम रेडियल के ऊपर बनाएंगे, और पूरी कोशिश करूँगा कि रेडियल के बारे में भी समझा जाए कि रेडियल टारगेट सेंट्रिक पीकोकाई का मतलब क्या होता है।
और उसके पीछे क्या क्या लॉजिक होते हैं। अगर ये वीडियो जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगली एक वीडियो बने, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे अपना रिस्पांस दें, यस करके बताएं कि हाँ आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं। तो डेफिनेटली अगर आपका रिस्पांस अच्छा हुआ तो मैं डेफिनेटली आपके लिए एक ऐसी प्यारी सी वीडियो और बनाऊँगा। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू एन्जॉय द सेशन।